कुछ खास मेरी VIP चीज़ होती है नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड पे जो भी MCQs अब भी पेपर में आई है कभी भी, व्हाट इज़ कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3, तो वेनेडियम पेंटोक्साइड। क्यों भाई? क्योंकि देखो, आफ्टर बर्निंग सल्फर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दी फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड टू बी रिएक्टेड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनाब। NV2O5 इज यूज एज कैटलिस्ट। अब कॉमन नेम जो इसका ऑयल ऑफ विथड्रॉल होता है, 10.5 मेल्टिंग पॉइंट है, सल्फ्यूरिक एसिड का 290 बॉइलिंग पॉइंट है। वॉट इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग HS2SO4 थेरो कॉन्टैक्ट प्रोसेस? प्योरीफाइंग SO3 ना जी, बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग सल्फर ओर्स हाँ जी टू जनरेट SO2। कन्वर्जन ऑफ SO2 टू SO3 भी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इन सल्फर डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बर्निंग ऑफ सल्फर और रोस्टिंग कार्बन ओर्स टू जनरेट SO3। फिर SO2 क्या होती है, प्योरीफाइड होती है बाय रिमूविंग डस्ट और आर्सेनिक इम्प्योरिटीज हम रिमूव करते हैं। फिर है विच प्रोसेस इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल मैनुफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये चार ऑप्शन दिए हैं। अब बोलो सर, ये तो चारों ही यूज़ होते हैं, लार्ज स्केल पूछा है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस अगर होता क्या, सल्फ्यूरिक एसिड किस मेथड से बनता है तो ऑल ऑफ अबव होता है, यहाँ पूछ रहे हैं लार्ज स्केल पे, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्यों भाई? जो H2SO4 है इसमें क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस बाय कॉन्टैक्ट मेथड इज़ फ्री फ्रॉम आर्सेनिक इम्प्योरिटी, बार बार इसी का जिक्र आ रहा है, एंड हैंस कैन बी सॉफ्टली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडिबल प्रोडक्ट। फिर व्हाट्स द हाइब्रिडाइजेशन सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड, SP, SP2, SP3, तो SP3। क्यों भाई? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज SP3 एंड इज टेट्राहेड्रल शेप, द स्ट्रक्चर इज ऑफन ड्रॉन विद द टू डबल बॉन्ड्स with the double bond from d orbital on sulfuric acid and b orbital on hydrogen. फिर कह रहे हैं ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट बिल्कुल होता है जी, डेंस एंड ऑयली बिल्कुल होता है जी, लुइस एसिड है बिल्कुल होता है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी MCQs क्लोरीन के ऊपर आएंगे, सेकेंड ईयर MDGATE, ECAT, वो सारी, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस, और ये कब बनती है, 1273 केल्विन पे। क्लोरीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय शील, और जो नाम दिया था क्लोरीन को वो डेवी ने दिया था। पंजर्ड स्मेल होती है, ग्रीन येलो कलर, -34 बॉइलिंग पॉइंट, -101 मेल्टिंग पॉइंट, यानी -34 पे लिक्विड बनती है, -101 पे सॉलिड बनती है। डेंसिटी 3.214 ग्राम पर लीटर। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड नंबर में ही होती है, -1, +1, +3, +5। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ कोर्स F2, फिर Cl2 आता है, फिर Br2, फिर I2। I2 जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। Cl नेगेटिव में कितने लोन पेयर होते हैं, 4। क्लोरीन जो है वो मैनुफैक्चर किस मेथड से होती है, डेकन प्रोसेस, नेल्सन प्रोसेस, कैस्टनर कैलेनर, तो जनाब ऑल ऑफ द अबव। फिर है क्लोरीन रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, तो करेक्ट आंसर है ड्राई स्लैक लाइम। क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड, तो करेक्ट आंसर है बोथ A and B। फिर फार्मूला देखो क्लोराइड का, Cl3O-, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव है ध्यान में रखें, और हाइपोक्लोराइड का फार्मूला Cl O-। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ऑन रिएक्शन ऑफ COCl2 विद फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, तो करेक्ट आंसर है भाई क्लोरीन, ठीक है। फिर क्लोरीन इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट इज ड्यू टू, क्योंकि भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। विच ऑफ फॉलोइंग विल मोस्ट रेडिली फॉर्म एनाइंस, तो जनाब हेलोजन्स, मेटल तो बना ही नहीं सकते। फिर CaCl2O2 का फार्मूला पूछा है, तो कैल्शियम क्लोराइड।